अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ऐसी नई वीडियो के लिए। देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी दिख रही है, प्लीज आप एक बार ट्राई कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की भजिया। देखिए उसके लिए मैंने एक लौकी ले ली हूँ पतली कौली वाली, अब इसे हमें छील लेना है और हमें इसमें लगेगा 5 हरी मिर्च और लहसुन की कलियों को, एक को मैंने छील ली हूँ, इसका हमें पेस्ट बनाना है और इसे छील के हमें काट लेना है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। लौकी को हमें अच्छी तरह से छील लेना है। देखिए मैंने अच्छी तरह से लौकी को छील ली हूँ, अब इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ भजिया के लिए कैसा काटना है। ऐसे बारीक बारीक पीस बनाना है हमें गोल गोल। देखिए ऐसे हमें काट के बनाना है, जितनी पतली पीस रहेंगी उतनी हमारी भजिया अच्छी बनेगी। ऐसे ही हमें लौकी काट लेना है। देखिए एक पीस आपको दिखा देती हूँ मैंने कितना पतला काटी हूँ। देखिए ऐसे काटेंगे तो हमारी लौकी कच्ची नहीं रहेंगी, ऐसे हमें सभी लौकी को काट लेना है। अब हमने देखिए इसके ऐसे पीस कट कर लिए हैं। अब हम चटनी पीस लेंगे, उसके लिए मैंने एक जार ले ली हूँ। 8 से 9 लहसुन की कली, हरी मिर्च, इसको इसमें हमें डाल लेना है। इसका हमें पेस्ट बनाना है, हमने इसका पेस्ट बना लिए हैं। देखिए अब हमें एक लेना है बाउल, उसमें हमें ऐड करना है 1 कटोरी बेसन, फिर इसमें हमें चटनी ऐड करना है जो हमने चटनी बनाई थी। पूरी चटनी को ऐड कर देना है, पूरी चटनी को हमें इसमें ऐड कर लेना है। अब इसमें हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर अजवाइन हमें ऐड करना है इसमें। अब इसमें हमें ऐड करना है पानी, जो कि 1/2 कटोरी में पानी ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें हमें ऐड करना है कटी हुई हरी धनिया, फिर इन सभी को हमें घोल बनाना है। अब हमें इन सभी का घोल बनाना है। देखिए ऐसे हमें घोल लेना है। देखिए थिकनेस ज़्यादा है, इसमें हमें और पानी ऐड करना है 1/2 कटोरी। आप मशीन द्वारा भी ऐसे घोल सकते हैं ऐसे, या फिर हाथ से भी हम घोल सकते हैं। देखिए मैं आपको हाथ से भी घोल के दिखा देती हूँ। अब इसे हमें घोल लेना है, देखिए एक ही डायरेक्शन में घोलना है हमें। ये जो घोल हमें बनाना है थोड़ा सा थिक बनाना है, ऐसे हमें कंटिन्यू 5 मिनट तक घोलना है। ऐसे हमें 5 मिनट तक अच्छी तरह घोल लेना है। देखिए इतना थिकनेस रहना चाहिए। अब इसे हमें ढक के छोड़ देना है 5 मिनट तक। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसका हमें ढक्कन हटा लेना है। देखिए बेसन का घोल हमारा सेट हो चुका है। अब हमें कढ़ाई गर्म कर लेना है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है तेल, हमें कढ़ाई में तेल ऐड करना है। तेल को हमें गर्म कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लौकी, इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इसे मैं आपको तल के दिखाती हूँ। देखिए हमारी खिले के लिए बनेंगी लौकी की भजिया। ऐसे सभी को हमें इसमें ऐड कर लेना है। देखिए कितनी खिली खिली हमारी भजिया बनी है, इसे हमें पलटा लेना है। हमें भजिया को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए ऐसे हमें ब्राउन कर लेना है, फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए
हमारी लौकी भजिया बन चुकी है। देखिए दोनों साइड हो गई है, ऐसे भी दोनों साइड ब्राउन कर लेना था, ऐसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी हमारी दिख रही है लौकी की भजिया, आप भी एक बार ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कैसी बनी लौकी की भजिया। देखिए हमारी भजिया लौकी कितनी खिली खिली बनी है, देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ऐसे ही नई वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। देखिए मैं आपको भजिया दिखा देती हूँ कैसी बनी हमारी भजिया लौकी की। देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी दिख रही है, प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।